हाय, माय नेम इज कृतिका देसाई, यानी कि आपकी मस्ती परी जो कि बालवीर रिटर्न्स में आ रही है. वेलकम टू जॉइन फिल्म्स. प्लीज इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब तो जरूर करें. थैंक यू. जॉइन फिल्म्स में और भी बहुत सारे वीडियो अवेलेबल हैं जिनसे कि आपको प्रॉपर प्रोफेशनल गाइडेंस मिलेगी. भले ही आप एक्टर बनना चाहते हो, राइटर बनना चाहते हो, फिल्म मेकर बनना चाहते हो, सिंगर बनना चाहते हो, आपको हर तरह के इस पर वीडियो मिलेंगे. भले वो फेक ऑडिशंस पे हो कि ऑडिशन कैसे देने चाहिए, इस पर भी डिटेल वीडियो अवेलेबल है. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिल्मी फंडे, joinfilms.com. मैं हूं आपका अपना वीरेंद्र राठौर. बालवीर के हम लोग सेट पर हैं और जब बालपन होता है यानी कि बचपन होता है तो जीवन में बहुत ही मस्ती होती है और परियों की कहानी होती है. लेकिन मस्ती और परी बहुत मुश्किल से एक साथ हो पाती क्योंकि एक फैंटेसी वर्ल्ड है और एक अपनी मस्ती वाला है. लेकिन मेरे साथ आज दोनों चीजें हैं, मस्ती परी. कृतिका देसाई, वेलकम टू जॉइन फिल्म्स. थैंक यू. कृतिका, ये जो गेटअप है, मस्ती परी है, ये मस्ती परी का करेक्टर हुआ, कैसा करेक्टर है ये? क्या है क्या एक्चुअल? मस्ती परी मतलब उसके नाम में ही सारी चीजें आ जाती है कि हम खेलते कूदते हैं, मस्ती करते हैं, शरारत करते हैं. एंड आई एम श्योर बच्चों को तो ये बहुत ही पसंद है, पर बड़े जो एडल्ट्स अपनी लाइफ में इतने बिजी हो जाते हैं, शायद अपने काम में व्यस्त हो जाते हैं, यू नो, ये देख के उनको रियलाइज हो, अरे हाँ, हम भी ऐसी मस्ती किया करते थे, हमें याद आ रहा है. जहाँ तक बोलते हैं कि परी है जो, वो एक शक्ति है, तो उनका एक बड़ा सधा हुआ अंदाज होता है बात करने का, जैसा कि माइथों में होता है. तो इसमें क्या आपका अंदाज वैसा है या मस्ती वाला चुलबुली वाला है? मेरा मस्ती चुलबुली वाला है. ओके, मिक्स्ड है जी. ये बड़ा अजीब कॉम्बिनेशन है, बड़ा अजीब कॉम्बिनेशन. मस्ती चुलबुलेपन का कॉम्बिनेशन ऐसा है कि ये मस्ती है, मस्ती खोरी करती है, पर ऐसा है कि किसी टाइम पे आके अपनी ही मस्ती और जादुई शक्ति से लोगों को सेव भी कर लेती है और कभी कभी काम बिगाड़ भी देती है. अच्छा. तो मस्ती में सावधानी रखनी बहुत जरूरी है. ओके. तो कृतिका, इससे पहले आपने कौन कौन से प्रोजेक्ट किए और क्या क्या करेक्टर प्ले किए? इससे पहले मैं हिंदी डेली सोप कर रही थी, मैं भी अर्धांगिनी, उसमें आई वॉज डूइंग नेगेटिव लीड, जो कि एन टी वी पर आता था. तो उसमें शो में अभी ली पाया है. सो पास्ट टू मंथ्स आई हैव, तो नेगेटिव थी मतलब बुरी शक्ति थी और यहाँ पे बुरी शक्तियों पे विजय पाने वाली, ये दोनों एकदम एग्जैक्ट अपोजिट है. एज एन एक्टर कैसे चैलेंज है और कितना अच्छा है? चैलेंजिंग तो बहुत है और मस्ती, मतलब ऐसा नहीं है कि आप नॉर्मल आ जाओ, नॉर्मल डायलॉग डिलीवरी आपकी हो गई क्वार्टर्स के साथ ट्यूनिंग बैठ नहीं, बट इसमें कैसा है कि बहुत ही मस्ती करते रहना है. और जब से मुझे ये कैरेक्टर मिला है ना, तब से मैं तो एकदम मस्ती करती हूँ. अच्छा. ऑफ स्क्रीन, ऑन स्क्रीन. तो पर्सनल लाइफ में भी फर्क आ रहा है? यस, अ लॉट, बहुत सारा. ओके, ग्रेट. तो जो इसके अलावा आपने काम किए, रीजनल में भी किए, उसके बारे में कुछ बताइए. पिछले दो साल से मैं कलर्स गुजराती पे एक शो कर रही थी, उसमें भी मेरा ग्रे शेड कैरेक्टर था, कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव. शो का नाम था महक. कब से ये क्लियर हुआ कि मुझे एक्ट्रेस बनना है और उसकी तैयारी कैसे शुरू की? मुझे ऐसा तो कुछ था ही नहीं कि मुझे एक्ट्रेस बनना है. आई एम अ बैचलर इन होटल मैनेजमेंट एंड मैं काम कर रही थी ताज लंदन में. ओके. तो बस एक एक्सीडेंट मेरा हुआ और मैं घर बैठी एंड दो तीन महीने बाद मुझे मेरे फ्रेंड्स के थ्रू मॉडलिंग के ऑफर्स आए. तो मैं ऐसे ही टाइम पास के लिए कर रही थी, फिर धीरे धीरे कास्टिंग डायरेक्टर सामने से आए, अच्छे प्रोडक्शंस ने अप्रोच किया ड्यू टू कॉमन फ्रेंड्स. तो उस हिसाब से आई जस्ट केम इनटू द इंडस्ट्री. ओके. लेकिन क्या उसके बाद भी ऑडिशंस देने पड़े? ऑडिशंस तो काफ़ी दिए मैंने, नो डाउट आई हैव गिवन अ लॉट ऑफ ऑडिशंस. और टच वुड, तब से लेके आज तक 4 साल में कभी ऐसा दिन नहीं आया कि मैं घर बैठी हूँ या कुछ. आई हैव वर्कड अ लॉट. क्या खास वजह है कि कुछ लोग कुछ काम कर पाते हैं, आप लगातार काम करो, क्या वजह है उसकी? आई थिंक समझदारी कि उनको क्या चाहिए और आप क्या डिलीवर करते हो. एज सिंपल एज दैट. मतलब हमें एक्टर वो बनना है जैसा कि प्रोडक्शन हाउस को चाहिए. नॉर्मली भीड़ क्या कर रही है कि मेरे अंदर टैलेंट है, मुझे चांस दे दो. तो आपको वैसा प्रोडक्ट बनना पड़ेगा जैसा मार्केट को चाहिए. ये बहुत सही, बहुत कम शब्दों में बहुत अच्छी बात कही इन्होंने. अब जब यहाँ पर काम करते हैं, बड़ा हेक्टिक शेड्यूल होता है, उसके बीच में ये एनर्जी बना के रखना, ये मस्ती बना के रखना, ये फ्रेशनेस बना के रखना, इतने बड़े अटायर के साथ, कितना मुश्किल है ये? बहुत ही चैलेंजिंग था, बहुत मुश्किल था. पहले तो हमें ये सब चुभ रहा था, हम एडजस्ट नहीं हो पा रहे थे. इतना हम बोलते अरे ये ऐसा ये वैसा, पर धीरे धीरे टाइम के साथ यू नो सारी चीजें हो जाती है. और एक बार आप उस कैरेक्टर में आ जाते हो, घुस जाते हो ना, जब अपने आप को फील करोगे कि नहीं मेरे पास ये है, मेरे पास ये शक्ति है, मैं ये कर रही हूँ, तो सब आसान हो जाए. नॉर्मली जब शूटिंग होती है तो वैसे एक्टिंग बोलते हैं कि जितना आप शांति में करो तो अच्छी होती है, आप कैरेक्टर में जा सकते हो. बट शूटिंग में हमेशा माहौल डिस्ट्रक्शन का होता है. डिस्ट्रक्शन है, फिर आपका ड्रेस है वो भी है, उसके बाद वहाँ से इंस्ट्रक्शन भी मिल रहे होते हैं कि ये वाला एक्सप्रेशन दो, ऐसा लुक दो, ये करो, इन सब के साथ वो कैरेक्टर में कैसे रह पाते हो? वो तो मल्टीपल टास्किंग करना पड़ता है उतना तो. वो स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग. हाँ, थोड़ा सा फोकस, बस सुन लो जो बोल रहे हैं, वो सुन लो, कर लो, बट
आपको एक बार एक्शन बोल दिया फिर आपको क्या करना है वो आप एकदम फोकस रहो और जस्ट गो ऑन इट. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू. तो ये थी कृतिका देसाई इस वीडियो में जो आपके लिए वो कंक्लूड करता हूँ. पहली बात उन्होंने बड़े आराम से बहुत अच्छे शब्दों में कही कि आपको स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग करनी पड़ेगी, आपको फोकस रहना पड़ेगा, यानी कि गुड लिसनर बनना पड़ेगा, जहाँ से जो भी आवाज़ें आ रही हैं उनको सुन के उसको फॉलो करना पड़ेगा, तो ही आप अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे, अपने कैरेक्टर में रह पाएंगे. जॉइन फिल्म्स में और भी बहुत सारे वीडियो अवेलेबल हैं जिनसे कि आपको प्रॉपर प्रोफेशनल गाइडेंस मिलेगी. भले ही आप एक्टर बनना चाहते हो, राइटर बनना चाहते हो, फिल्म मेकर बनना चाहते हो, सिंगर बनना चाहते हो, आपको हर तरह के इस पर वीडियो मिलेंगे, भले वो फेक ऑडिशंस पे हो कि ऑडिशन कैसे देने चाहिए इस पर भी डिटेल वीडियो अवेलेबल है. अगले वीडियो में फिर से मुलाकात होगी, तब तक देखते रहिए, सीखते रहिए, जमे रहिए. All the very best. I can even join Filmy someday.